नमस्कार। आज हम मनोराजस्य फलम ये चैप्टर देखेंगे। मनोराजस्य फलम मतलब मनोराज्य का फल। हम सिर्फ सोचते रहेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ऐसा सोचने से कुछ नहीं हासिल होता। हमें अगर हमारे सपने पूरे करने हो तो उसके लिए हमें प्रयत्न भी करने चाहिए। अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे, प्रयत्नशील नहीं रहेंगे तो हमारे सपने कभी भी पूरे नहीं हो सकते। इसलिए सपने देखना ज़रूरी होता है, पर सपने देखना और उसके लिए सपने पूरे करने के लिए प्रयत्न करना ये भी उतना ही आवश्यक होता है। संस्कृत आमोद में ये 15वां पाठ है और संस्कृत आनंद जो संयुक्त है उसमें ये 11वां पाठ है। अब देखेंगे, पूरा अमर शक्ति नाम राजा आसीत। पहले अमर शक्ति नाम का राजा रहा करता था या राजा था। तस्य पुत्रः विवेकरहितः शास्त्र विमुखाच। उसके पुत्र है विवेक विरहित मंस अविचारी, शास्त्र से विमुख थे, शास्त्र का ज्ञान नहीं था उन्हें। मनोरंजक कथा माध्यमेन विष्णु शर्मा नाम पंडित था, नीति शास्त्र पारंगता न करोत। मनोरंजक कथाओं के माध्यम द्वारा विष्णु शर्मा नाम के पंडित ने उन्हें नीति शास्त्र में पारंगत किया, निपुण किया। तदर्थनम रचिता नाम कथा नाम संग्रह एवं पंचतंत्रम नामना विख्यात। उनके लिए जो कथाओं की रचना की गई उस कथाओं के संग्रह को पंचतंत्र नाम से वो विख्यात है। उनमें 5 भेद होते हैं, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारकम इति तानि पंचतंत्राणि। ये 5 तंत्र होते हैं, अब इसलिए उसका नाम लिखा पड़ा है पंचतंत्र। अपरीक्षित कारका स्वीकृता प्रस्तुत कथा, ये कथा है 5वें में से अपरीक्षित कारकम में से ली गई है। एक श्लोक है वो देखेंगे, अधीते ये इदं नित्यं नीति शास्त्रं शृणोति च न पराभवम् आप्नोति शक्रादपि कदाचन। नीति शास्त्र जो सुनता है, यह मतलब जो नीति शास्त्र सुनता है, अधीते इदं नित्यं मतलब उस नीति शास्त्र को हमेशा अभ्यास करता है, अधीते अपने जीवन में उतारता है, अधीत ज्ञान मिला, ज्ञान प्राप्त करता है या अधीते मतलब अभ्यास करता है नीति शास्त्रों का, वो व्यक्ति है वो शक्र, शक्र मतलब इंद्र से भी पराभूत हो नहीं सकता, इंद्र भी उसे पराजित नहीं कर सकता। अब हम चैप्टर की ओर देखेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखेंगे अब, कस्मिंश्चित नगरे कश्चित स्वभाव कृपणो नाम कोऽपि भिक्षुकः प्रतिवसति स्म। किसी एक नगर में स्वभाव कृपण नाम का कोई एक भिक्षुक याचक भिकारी रहा करता था। तेन भिक्षया प्राप्तेन सत्तु पिष्टेन कलश संपूरित। उसने भिक्षा मांगकर सत्तू के आटे से उसका घड़ा पूरा भर दिया था। सत्तू का आटा मेरी मान्यता के अनुसार जो चने का आटा है, बेसन कहते हैं, उसे भूज कर उसे तवे पे सेक कर जो आटा तैयार होता है उसे सत्तू का आटा कहते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे हमारे राज्य हैं वहाँ पे लिट्टी चोखा बनाया जाता है, तो लिट्टी में भरने के लिए वो सत्तू का आटा यूजफुल होता है। तम च घटम नागदंते रज्वा बध्वा तस्य अधस्तात कटम प्रसार्य सततम तद विषये चिंतयन सह सुप्तः। तम च घटम, उस घड़े को नागदंते एक खंभे पर, एक खिल्ली पर डोरी से बांधकर तस्य अधस्तात उसके नीचे कटम मीन्स चटाई पसार कर बिछा कर सतत हमेशा तद विषय मीन्स उस घड़े के विषय पे, उस घड़े के बारे में, उसके बारे में सोचता और सोता। क्या करता वो, उस घड़े को एक खिल्ली पे या खंभे पे डोरी से बांधकर उसके नीचे चटाई पसार के बिछा कर उसके बारे में सोचकर सोता था। सह अचिंतयत, वो अचिंतयत मतलब सोचना, वो क्या सोचता, वो सोचता यत परिपूर्णो अयम घटः
स्तावत सत्तुपिष्टेन वर्तते, मेरा ये घड़ा है ये सत्तू के आटे से परिपूर्ण पूरा भर गया है। यदि दुर्भिक्षं भवति तर्हि अस्य विक्रयणेन रूप्यकाणां शतं प्राप्स्यामि। यदि जब तर्हि तब, जब दुर्भिक्ष दुष्काल होगा, दुर्भिक्षं भवति पहले है दुष्काल, खेती के उपज कम हो जाए तो दुष्काल पड़ा करता था, बारिश कम आए तो दुष्काल होता था ऐसे गांव में। तो यदि दुर्भिक्षं भवति, अगर दुष्काल होगा या आपत्ति होगी, तब अस्य विक्रयण इस सत्तू के आटे, यहाँ सत्तू का आटा नहीं दिया गया है पर सत्तू के आटे, इसे बेच के शतम रूप्यकाणां प्राप्स्यामि, मैं 100 रुपये प्राप्त करूँगा, मुझे 100 रुपये प्राप्त होंगे। ततस्ते न हम अजाद्वयं क्रेष्यामि, और उस 100 रुपये से, 100 रुपये उसे मिल गए, ततस्ते न, और उस 100 रुपये से, उससे मैं 2 बकरियों की जोड़ी, 2 कपल, 2 बकरियों की, बकरों की जोड़ी लूँगा, क्रेष्यामि मतलब खरीदूँगा। ततः उसके बाद षण्मासिक प्रभव शात, उसके बाद 6 महीनों के, उसके बाद हर 6 महीनों के प्रसव से, षण्मासिक प्रभवशात हर 6 महीनों के प्रसव से उन दोनों कपल को, उन दोनों को युथ भविष्यति ताभ्याम, उन्हें एक समूह, युथ मतलब समूह होगा, उन बकरियों से का एक समूह होगा। ततो अजा भी प्रभुता धेनु ग्रहिष्यामि, और उन बकरियों से, उन सारे समूह के बकरियों से मैं बहुत सारे, प्रभुता मतलब बहुत सारी गायें खरीदूंगा। धेनु भी गायों से मैं महिषी भैंस खरीदूंगा, महिषी भी वड़वाह, और भैंसों से मैं घोड़िया खरीदूंगा। वड़वा प्रसवतः प्रभुता अश्वाह भविष्यन्ति, भविष्यति भविष्यकाल है, घोड़ियों के प्रसव से मुझे बहुत सारे घोड़े प्राप्त होंगे। तेषां विक्रणा प्रभुतम, उनके वो बेचकर बहुत सारा सोना, गोल्ड है, सुवर्ण है, वो मुझे मिलेगा। सुवर्णेन चतुशालम गृहम संपत्स्यते, और उस सोने से मुझे 4 रूम वाला, 4 कमरों वाला गृह मेरा, घर मेरा होगा। ततः कश्चित धनिक प्राप्त वयस्का, और उसके बाद कोई एक धनिक है, श्रीमंत है, रिच आदमी है, वो मेरे ही वय की, मेरे ही उम्र की, प्राप्त वयस्का मीन्स शादी के लायक उम्र की, रूपाढ़िया, रूपाढ़िया मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल कन्या, मह्यम दया दास्यति, उसकी कन्या है, मुझे देगा। आवयो पुत्रम भविष्यति, हमें एक पुत्र होगा। तस्याम सोम शर्मेति नाम करिष्यामि, उसका मैं सोम शर्मा इति, सोम शर्मा ऐसा नाम रखूँगा, नामकरण करूँगा। ततः स जानुशरण योग्य भविष्यति, और उसके बाद वो घुटनों के चलने के योग्य, घुटनों पर चलने के योग्य होगा। एकदा सोम शर्मा माम दृष्ट्वा मत समीपम मम समीपम आगमिष्यति, एक बार सोम शर्मा मुझे देखकर मेरे पास आने की कोशिश करेगा, मेरे पास आएगा। ततो अहम कोपाविष्ट अभिधास्यामि भार्याम गृहाण बालकमिति, उसके बाद मैं क्रोधित होकर गुस्से से मेरी भार्या को, मेरी पत्नी को कहूँगा, बच्चे को ले लो। सापि मम वचनम न श्रोष्यति, वो भी मेरे वचन में जो बोलूँगा वो नहीं सुनेगी। तावत काले कश्चन कुक्कुर तत्र आगमिष्यति, और उसी वक्त एक कुत्ता है वहाँ पे आएगा। सोम शर्मा तस्मात् भीतः भविष्यति, सोम शर्मा उससे डरेगा। ततो अहम समुत्थाय, और उसके बाद में उठाकर, सम उत्थाय उठाकर लघुड़ेन तम कुक्कुरम ताड़िष्यामि, उसके बाद में लकड़ी उठाकर उस कुत्ते को मारूंगा। एवं स्वप्नमग्नः ध्यानस्थितः तथैव लघुड़ प्रहारम अकरोत्,
और उसके बाद स्वप्न में मग्न, ध्यान में मग्न, ध्यान में स्थित है वो, वैसे ही लकड़े का लकड़ी से प्रहार करता है। लकड़ी से के प्रहार तेन लगुड़ प्रहारण सक्तु पिष्टेन पूर्ण स घट भग्न अभवत। और उसके बाद लकड़ी के प्रहार से, लकड़ी के मारने से जो सत्तू के आटे से भरा हुआ जो घड़ा था पूर्ण स घट भग्न अभवत, वो फूट जाता है, टूट जाता है। स्वभाव कृपण स पांडुरताम अगच्छत। स्वभाव कृपण है, पांडुरता मतलब सफ़ेद हो जाता है, आटे से सफ़ेद हो जाता है। अतः ब्रवी में इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया गया है, कहा गया है अनागतवतीम चिंताम संभाव्याम करोति यह स एव पांडुरः शेत सोम शर्म पिता यथा। अनागतवती, अनागतवती मीन्स जो न होने वाली वस्तु है, जो हो नहीं सकता वैसी बातें, चिंता मतलब सोचना, संभाव्याम करोती है जो न होने वाली और असंभव अशक्य वस्तु अशक्य बातें करता हो, उसका विचार करता हो, स एव पांडुरः शेत सोम शर्मा पिता यथा, वह सोम शर्मा के पिता की तरह सफ़ेद हो जाता है। इस तरह हमें सिर्फ सपने नहीं देखना चाहिए। सोम शर्मा एक भिक्षुक होता है, पर वो किस सपने में, दीवा सपने देखकर वो कहाँ पहुँच जाता है, और उसके बाद जो जिस घड़े से, जिस सत्तू के पीठ से वो सपने, सत्तू के आटे द्वारा जो सपने देख रहा था, वो सत्तू का आटे का घड़ा भी वो फोड़ देता है, मीन्स उसके सपने हैं वो तहस नहस हो जाते हैं, जो अब पूरे नहीं हो सकते। उसने भिक्षा मांग कर जो सत्तू का आटा लाया था, वो भी अब उसे भिक्षा मांग कर जब पूरा करना पड़ेगा, तब उसके सपने शायद पूरे हो। पर ऐसे दीवा स्वप्न देख के या प्रयत्न करना चाहिए, हमें सिर्फ सपने नहीं देखने चाहिए, उसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।